प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम का उद्घाटन करेंगे। इसे पहले सलमा डैम कहा जाता था। मथुरा की सांसद और भाजपा नेता हेमा मालिनी ने शहर में हुई भारी हिंसा की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने मथुरा में अस्पताल जाकर हिंसा में घायल लोगों के स्वास्थ्य का जायजा लिया। मथुरा के मुख्य चिकित्साधारी विवेक मिश्रा ने कहा है कि पोस्टमार्टम के मुताबिक दिवंगत एसपीसीटी मुकुल द्विवेदी की मौत मारपीट के कारण हुई है। वहीं फर्रा के एसएचओ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत गोली लगने से हुई जो उनके नाक के पास लगी थी। मथुरा हिंसा में शहीद एसएचओ संतोष यादव का जौनपुर स्थित उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली सोमवार को नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैंकों की तिमाही प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। एक दिन की इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2015-16 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संपूर्ण कार्य प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक में द्विपक्षीय सैन्य संवाद के स्तर को बढ़ाने पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच ये सहमति ऐसे समय में बनी है जब अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता बड़ी चिंता के तौर पर उभरी है। केंद्र सरकार देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में 10 स्टार्टअप स्थापित करेगी जिससे युवा उद्यमियों में ऊर्जा और उत्साह बढ़ सकेगा। साथ ही सरकार शिक्षकों और अन्य स्टाफ की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जल्द ही शाला अस्मिता योजना की शुरुआत करेगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि यूरोप और अफ्रीका के साथ भारत के व्यापार के लिए ट्यूनीशिया एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। ट्यूनीशिया में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आतंकवाद को एक साझा खतरा बताते हुए कहा कि संगठित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई से ही इसे पराजित किया जा सकता है। हजारीबाग रोड स्टेशन पर खड़ी कर्मचारी रेस्ट वैन में स्टोव लीक होने के कारण आग लग गई। हालांकि इसमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। इस बोगी में कर्मचारी खाना भी पकाते थे। जिस समय आग लगी उस समय बोगी में कुछ कर्मचारी मौजूद थे। फ्रांस में भारी बारिश के कारण पिछले 3 दशकों में सीन नदी में जलस्तर शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ मूल्यवान कलाकृतियों को बचाने के लिए पेरिस के विश्वविख्यात लॉवर और मूसी डी ओर से संग्रहालय को बंद कर दिया गया है। कल अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग में एल्डोराडो काउंटी के 45 एकड़ क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही इस पूरे क्षेत्र में लोगों को निकालने का काम भी चल रहा है। सीरिया विद्रोहियों के कब्जे वाले 12 क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र सहायता लेने के लिए सहमत हो गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए एक वक्तव्य के अनुसार दमस्कस भी 3 और क्षेत्रों को सीमित सहायता पहुंचाने के लिए सहमत हुआ है। 74 साल की उम्र में बॉक्सिंग दिग्गज मोहम्मद अली का निधन हो गया है। 2 जून को सांस संबंधी तकलीफ के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अली 3 बार विश्व चैंपियन रहे। पहली बार उन्होंने 1964 में, फिर 1974 में और फिर 1978 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता था। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने भी मोहम्मद अली की मृत्यु पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली की मौत से पूरे खेल जगत को धक्का लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर त्रिकोण आसन योग के जरिए इससे होने वाले फायदे को लोगों के बीच रखा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को देखते हुए इसके प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक।